हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले हमारी क्लास तद्भव तत्सम तद्भव की क्लास आ चुकी है। इसके बाद ये इस पार्ट सेकंड है, तो इसमें हम देखेंगे देश शब्द क्या होते हैं, विदेश शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अरबी, फारसी, ठीक है, और ये सब जो है सब क्या होते हैं, ठीक है। जितने भी अरबी, फारसी, पुर्तगाली, ठीक है, चीनी, अंग्रेजी, सब ये सब इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले आपने हमारी क्लासेस और नहीं देखी है, तो इससे पहले और भी क्लासेस हमारी पड़ी हुई है, मैराथन भी वीडियो पड़ी हुई है, तो उसको फिर जाकर जरूर देखें जाके, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे देश विदेश शब्द क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके उदाहरण देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले समझते हैं देशज शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। ठीक है, देशज शब्द, तो चलिए समझते हैं देश शब्द कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलो, देश शब्द ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण या परिस्थिति या आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, देश शब्द कहलाते हैं। जैसे गड़बड़, पगड़ी, पेट, टांग, ढेर आदि। क्या ये जो है क्षेत्रीय प्रभाव के कारण इस तरह से प्रयोग किए जाने लगे हैं, ठीक है। अगला जो हमारा प्रकार है वो विदेश शब्द, दूसरी भाषा के वे शब्द जो परस्पर संपर्क में आकर यहाँ प्रचलित हो गए हैं, यानी जो कहीं और किसी भाषा में प्रयोग किए जा रहे थे या और किसी देश में प्रयोग किए जा रहे थे, वो अपने वहाँ प्रचलित हो गए, तो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे, विदेशज शब्द कहेंगे। जैसे विदेश शब्द देखते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो विदेश शब्दों में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सारे विदेश शब्द हो जाएंगे। तो समझते हैं विदेश शब्द में कौन कौन से शब्द आएंगे। पहला क्या है, अरबी शब्द आएंगे, ठीक है, जो अरबी भाषा से आए हैं। दूसरा क्या है, फारसी शब्द आएंगे, जो फारसी भाषा से आए हैं। तुर्की शब्द जो तुर्की से आए हैं। पुर्तगाली शब्द जो पुर्तगाली से आए हैं। पांचवा क्या है, अंग्रेजी शब्द जो अंग्रेजी भाषा से आए हैं। जापानी शब्द जापानी से आए हैं। चीनी शब्द जो चीनी से आए हैं। अरबी शब्द, तो सबसे पहले देखेंगे अरबी शब्द क्या होते हैं, समझते हैं अरबी शब्द कौन कौन से हैं। अरबी शब्द, चलिए देखते हैं अरबी शब्द। अदा, अजब, अमीर, अक्ल, असर, आसार, आखिर, आदत, आदमी, इनाम, इज्जत, इमारत, इस्तीफा, इजाज, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औलाद, कसर, कसूर, कब्र, कदम, कमल, कर्ज, किस्मत, किला, ठीक है, कसम, कीमत, कसरत, कुर्सी, किताब, कायदा, कातिल, खबर, मानी, यतीम, राय, लिहाज, लफ्ज, लहजा, लिफाफा, लियाकत, लायंक, वारिस, वहम, वकील, शराब, हिम्मत, हैजा, हिसाब, हरामी, हक, हुक्म, हाल, हकीम, हमला, हवालात। तो इस तरह से हमने देखे ये सारे शब्द जो किसके उदाहरण हैं, ये सब जो है सारे अरबी भाषा के शब्दों के उदाहरण हैं। चलिए अगला देखते हैं कौन सा है। अगला जो है हमारा फारसी शब्द, समझते हैं फारसी शब्द, ठीक है। ये जो है विदेश शब्दों के उदाहरण हैं, तो फारसी शब्दों के उदाहरण देखते हैं। पहला है अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, आवारा, आमदनी, आवाज, आफत, आईना, उम्मीद, कबूतर, कमीना, कुश्ती, किशमिश, पलंग, पैदावार, फलक, पुल, पारा, पैसा, पैमाना, बहरा, बेहुदा, बीमार, बेहरम, मादा, मासा, मलाई, मुर्दा, मजा, मलासा, मुक्त, मोर्चा, मीना, मुर्गा, मरहम, याद, यार, रंग, राह, लश्कर, लगाम, लेकिन, वरना, वापिस, शादी, शोर, सितारा, सितार, सरावर, सुर्ख, सरदार, सरकार, सूद, सौदागर, हफ्ता, इत्यादि, ठीक है। ये सब क्या हो गए दोस्तों, ये फारसी शब्दों के उदाहरण हमने देख लिए। अभी तक हमने देखा अरबी शब्द क्या होते हैं, उसके उदाहरण, फारसी शब्द क्या होते हैं, उसके उदाहरण, ठीक है। जो अगला प्रकार हमारा रहेगा वो रहेगा तुर्की शब्द। चलिए देखते हैं तुर्की शब्द के उदाहरण कौन कौन से हैं। पहला है उर्दू, मुगल, आका, काबू। तुर्की शब्द भी होते हैं नहीं, तो तुर्की देश से आए हुए हैं, ठीक है। तो क्या कहलाएंगे, तुर्की शब्द कहलाएंगे। जैसे उर्दू, मुगल, आका, काबू, काचीन, कैंची, कालीन, कुली, कुर्की, चेचक, चमचा, तोप, तमगा, तलाश, बेगम, बहादुर, लाश, लफंगा, सौगात, सुरंग, ठीक है। अगला प्रकार जो हमारा है पुर्तगाली शब्द, ठीक है। जैसे आलपीन, अरमारी, बाल्टी, चाबी, पीता, तम्बाकू, आया, इस्पात, स्त्री, कमीज, कनस्तर, कमरा, काजू, गमला, गोदाम,
गोभी तौलिया नीलम या नीलाम फरत पिस्तौल मेज लबादा साया पादरी परात इस्पारी। ठीक है, इत्यादि शब्द क्या है? प्रतकाली शब्दों के उदाहरण है। अब देखेंगे हम अंग्रेजी शब्दों के कुछ उदाहरण, कौन कौन से अंग्रेजी भाषा से आए हैं जो इंग्लैंड में प्रयोग किए जा रहे थे, वो हम अब हमारे देश में प्रचलित हो गए हैं। पहला है अफसर, इंजन, डॉक्टर, अस्पताल, कप्तान, तारपीन, बोतल, मील, अपील, आर्डर, इंच, इंटर, एयरिंग, एजेंसी, कंपनी, कमीशन, कमिश्नर, कैंप, काउंसिल, गजट, गार्ड, जेल, चेयरमैन, ट्यूशन, डायरी, डिप्टी, ड्राइवर, पेंसिल, पेन, नंबर, नोटिस, नर्स, थर्मामीटर, पार्टी, प्लेट, पार्सल, पेट्रोल, पाउडर। ये सब क्या है? अंग्रेजी शब्दों के उदाहरण है जो अंग्रेजी भाषा से प्रयोग में किए जा रहे हैं। ये जो मेन मेन जो वर्ड हैं ये लिखे जा रहे हैं, बाकी अंग्रेजी वर्डों की तो भरमार है। ठीक है, तो ये जो है जो कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड जो परीक्षाओं में आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो शब्दों के उदाहरण हमने देखे। अगला जो जो प्रकार है वो हमारा रहेगा जापानी शब्द जैसे रिक्शा, फिर चीनी शब्द जैसे लीची। अगला एक प्रकार इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं, संकर शब्द किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। संकर शब्द वे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बनते हैं, यानी कहने का मतलब है जो एक से अधिक भाषाओं से मिलकर बनते हैं, दो भाषाओं को मिलकर बनाए गए हैं, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे सलाहकार, घूसखोर, घूस प्लस खोर, ठीक है, यानी घूस खाने वाला, कारी प्लस घर, कारीगर, ईद प्लस गाह, ईदगाह, चार प्लस चारा प्लस गाह, चारागाह, यानी जानवरों को चरने का स्थान, बंदरगाह, छायादार, छाया प्लस दार, हवादार यानी हवा को देने वाले, हवादार, रोशनदान, ठीक है, रोशनी को देने वाले, चीलबंद, रेल प्लस गाड़ी यानी रेलगाड़ी, ठीक है, आरामदाह। उदाहरण बम, बम जैसे कि बम क्या है? अंग्रेजी वर्ड है, वर्षा हिंदी वर्ड है, तो हम दोनों मिला के क्या बने? बम वर्षा। इसी तरह से क्या है, अंग्रेजी वर्ड क्या है? रेल। गाड़ी क्या है? हिंदी वर्ड है, तो रेल प्लस गाड़ी यानी मिलाकर क्या बना? रेलगाड़ी। इसी तरह से अगला जो है प्रकार टिकट, जो अंग्रेजी है, घर क्या है? हिंदी, यानी टिकट घर, ठीक है। अगला क्या है, अस्त्र, हिंदी शब्द है, गैस क्या है? अंग्रेजी वर्ड है, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? अस्त्र गैस, ठीक है। अगला क्या है, नेक फारसी शब्द है, चलन क्या है? हिंदी शब्द है, तो नेक चलन। इस तरह से हमने देखे तत्सम तद्भव शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द क्या होते हैं जो बाहरी देशों से प्रयोग में किए जाने हैं, जैसे तुर्की, फारसी, अरबी, जापानी, चीनी, ठीक है। इत्यादि शब्द हमने देखे। तो पूरी वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक तो आप बने हुए हैं तो धन्यवाद। अगला टॉपिक हमारा रस रहेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आज।